अब आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लिए चलते हैं महाराष्ट्र के मुंबई। हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज उद्धव ठाकरे को शिवसेना के हिंदुत्ववादी पार्टी होने का सबूत देना पड़ गया। मुंबई में आज शिवसेना ने एक बड़ी रैली की। इस रैली में वैसे तो उद्धव ठाकरे कई मुद्दों पर बोले, लेकिन फोकस हिंदुत्व पर रहा। उद्धव उन लोगों को जवाब देते नजर आए जो शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। आज ही नवनीत राणा ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवनीत राणा ने चैलेंज दिया था कि अगर शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है तो उद्धव ठाकरे को रैली में अपनी स्पीच की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़कर करनी चाहिए। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें नकली हिंदुत्ववादियों से धर्म की शिक्षा नहीं चाहिए। एक रिपोर्ट। हिंदुत्व और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र से शुरू हुई सियासत आज दिल्ली तक पहुंच गई। इस मुद्दे पर चल रही सियासत से जुड़े किरदारों में से एक किरदार ने आज दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ किया तो दूसरे किरदार ने मुंबई में ऐलान किया कि बाकी सब नकली हिंदुत्ववादी हैं, असली हिंदुत्व शिवसेना का है। नवनीत राणा ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूजा करने से पहले उन्होंने पदयात्रा भी की। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक मेगा रैली को संबोधित किया और शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वालों को जवाब देने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने मुंबई की रैली में क्या कहा, यह देखने से पहले आपको ये जानना होगा कि उद्धव ठाकरे से दिल्ली से क्या सवाल पूछे गए। हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे नवनीत राणा और रवि राणा आज फुल फॉर्म में दिखे। नवनीत राणा ने दो टूक कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे उन पर भले ही कितने जुल्मों सितम कर लें, लेकिन अब ना तो वो हिंदुत्व से पीछे हटेंगे ना ही हनुमान चालीसा के पाठ से। नवनीत राणा ने आज दिल्ली में अपने घर से कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर तक पदयात्रा की। इस दौरान कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी उनके साथ थे। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊं कि दिल्ली पुलिस और एसएसबी के जो जवान हैं, वो इस पूरी पदयात्रा को एस्कॉर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। रस्सियों के जरिए एक पूरा ट्रैक तैयार किया गया है और उसी ट्रैक के अंदर ये सभी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये सभी लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो दूर दूर से दिल्ली पहुंचे हैं इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, और तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर रही है। और आप देखेंगे कि भगवा झंडा अब इस पदयात्रा के अंदर लहराया जा रहा है, मंशा से इतनी कि प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। नवनीत राणा ने कहा कि वो महाराष्ट्र पर आए उद्धव ठाकरे नाम के संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा कर रही हैं। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे की रैली के लिए बनाए शिवसेना के उस टीजर पर भी तंज कसा, जिसमें उद्धव ठाकरे ये कहते हुए दिख रहे हैं कि वो विरोधियों के दांत तोड़ देंगे। नवनीत राणा ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों के दांत तोड़कर दिखाएं, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के नहीं। रवि राणा ने भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्ववादी हैं तो उन्हें अपनी रैली की शुरुआत में हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और जो सभा में वो बोल रहे हैं कि मुझे वज्र दो, मैं दांत गिराने के काम करूंगा, मराठी टीजर बनाया उन्होंने आज की सभा के लिए। मुझे लगता है मेरे महाराष्ट्र के लोगों के दांत गिराने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है तो औरंगजेब के कब्र पे आकर जो हार फूल चढ़ाते हैं तो उनके दांत गिरा के दिखाइए, तब आपकी हिम्मत मानेंगे। और आज सभा में आप अगर थोड़ा भी हिंदुत्ववादी आप में जीवंत रहा है तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ के शुरुआत करना, नहीं तो हम समझेंगे तुम औरंगजेब के कब्र पे जाके फूल चढ़ा। हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह है महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है हम बार बार पढ़ेंगे, और हनुमान चालीसा की पढ़ के उद्धव ठाकरे जी ने सभा की शुरुआत करना तो ही खरे सही मायने में वहाँ पे हिंदुत्व का एक मैसेज जाएगा। अगर उनको लगता है औरंगजेब पे फूल बरसाने वाले का स्वागत अगर उद्धव ठाकरे करते हैं तो वहाँ हनुमान चालीसा बिना पढ़े सभा की शुरुआत करेंगे। और सही में गदाधारी है कि गधा है,
ये महाराष्ट्र की और देश की जनता उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को पहचानेगी। उद्धव ठाकरे को औरंगजेब प्रेमियों के दांत तोड़ने की चुनौती देकर नवनीत राणा ने शिवसेना के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। शिवसेना की ये मुसीबत तब शुरू हुई जब असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में जाकर औरंगजेब की कब्र पर फातिहा पढ़ा। शिवसेना की स्थापना ही छत्रपति शिवाजी के नाम पर हुई और औरंगजेब को शिवाजी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र आकर औरंगजेब की कब्र पर फातिहा पढ़ने चले गए और शिवसेना देखती रह गई। शिवसेना के नेताओं ने अकबरुद्दीन के इस फैसले को बेवकूफी तो बताया, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आज दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना अब अपनी ताकत हिंदुत्व की बात करने वालों, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर ही दिखाती है। अगर हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र पर जाने वालों पर एक्शन लेकर दिखाओ। नवनीत राणा ने कहा कि अब शिवसेना के साथ उनका युद्ध शुरू हो गया है। बीएमसी चुनाव में राम भक्त और हनुमान भक्त मिलकर शिवसेना को जमीन में गाड़ देंगे। युद्ध लड़ूंगी और उद्धव ठाकरे ये पूरा करप्शन की लंका लेके महाराष्ट्र में है, तो इस करप्शन लंका के विरुद्ध में अब युद्ध होगा। यहाँ सिक्योरिटी भी दी गई, यहाँ प्रोटेक्शन भी दी गई और सेफली मंदिर तक भी लाया गया और हनुमान चालीसा भी हुआ और आरती भी हुई। और जो करप्शन की लंका लेके बैठे हैं उद्धव ठाकरे, उसे मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी है मुंबई की, हनुमान भक्त और राम भक्त उन्हें गाड़ने का काम इस बार करेंगे। मुझे लगता है मैं जंग की मैदान में उतरी हूँ और करप्शन जो लेकर उद्धव ठाकरे पिछले दो पीढ़ियों से महाराष्ट्र में बीएमसी के माध्यम से बैठे हैं, वो जब तक करप्शन की लंका खत्म नहीं करेंगे तब तक मैं सांस नहीं लूंगी। शिवसेना ने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान करने पर नवनीत राणा और रवि राणा को जेल में तो डाल दिया था, लेकिन पार्टी को यह समझ में आ गया कि उनके इस कदम से शिवसेना की हिंदुत्व वाली इमेज को झटका लगा है। इसलिए अब संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना को हनुमान चालीसा के पाठ से दिक्कत नहीं है, नवनीत राणा महाराष्ट्र में जहां चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन पहले पुलिस की मंजूरी लें। एक कोई महिला है जो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है, पढ़ने दीजिए उनको, अपने घर में पढ़ने दीजिए, मंदिर में पढ़ने दीजिए। मैं देख रहा था वो महिला आज दिल्ली के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, इसने विरोध किया। महाराष्ट्र में इतने मंदिर है, हनुमान जी के, भगवान के इतने मंदिर है, ईश्वर के मंदिर है, आपका घर है, आप जाकर पढ़िए, आपको किसने रोका है? अगर आपको कोई हनुमान जी के ऊपर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो पुलिस से आप परमिशन लीजिए, वो भी कर लीजिए, किसको रोका है? संजय राउत तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शिवसेना 100% शुद्ध हिंदुत्ववादी पार्टी है, बाकी सब नकली हिंदुत्ववादी हैं। शिवसेना को किसी से हिंदुत्व की क्लास लेने की जरूरत नहीं है और उद्धव ठाकरे की आज की रैली से सबको जवाब मिल जाएगा। देखिए, शिवसेना और हिंदुत्व का एक रिश्ता है। हम हिंदुत्व की जो भगवी शाल है, आज या कल नहीं, हमारे कंधे पर डालिए। 40-45 साल से हम यही विचार को लेकर आगे जा रहे हैं, खास करके हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी जो हमारे नेता पार्टी के संस्थापक। बाला साहब जी ने हिंदुत्व को एक नया आयाम दिया है, एक ताकत दी है मजबूत। हम तो सभी उनके चेले हैं, पूरे महाराष्ट्र में उनके फॉलोअर्स है। शिवसेना तो वही विचारों से आगे जा रही है। संजय राउत भले ही कितने भी दावे कर लें, लेकिन हकीकत तो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना कितनी डिफेंसिव है, इसका सबूत इसी बात से मिल जाता है कि उद्धव ठाकरे की आज की रैली को लेकर शिवसेना ने जो टीजर रिलीज किए उसमें हिंदुत्व पर ही फोकस था। जैसे इस टीजर को ही लीजिए, इसमें शिवसेना कह रही है कि नकली हिंदुत्ववादियों को आईना दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे रैली कर रहे हैं। हम ही मराठी, हम ही महाराष्ट्रियन, हम ही मुंबईकर और गर्व से हिंदू, और ये सब स्पीकर लगाकर, भगवा शॉल ओढ़कर, जोर से चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना पड़ता। हम ठोस बात बता रहे हैं, हम नकली हिंदुत्ववादियों को आईना दिखाने और हिंदू हृदय सम्राट की परंपरा दिखाने आ रहे हैं। इंडिया टीवी, हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।